नमस्कार, बीटी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निधि सिन्हा। बिहार को मिली है नई सौगात। जी हाँ, कांवर को रामरस साइट में शामिल किया गया। जी हाँ, मैं बेगूसराय के मंझौल में स्थित जयमंगलागढ़ मशहूर कांवर झील की बात कर रही हूँ, जो कुछ वर्ष पूर्व एशिया में शुद्ध की सबसे बड़ी झील और पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। परंतु कुछ वर्ष से इस सरकार की ओर से ध्यान ना देने के कारण इसकी हालत बदहाल हो गई थी। परंतु खुशी की बात यह है कि कांवर झील को 18 वर्ष पश्चात फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय रामरस साइट में शामिल किया गया है। इससे एक वर्ष पहले 2019 में केंद्र सरकार ने जलीय इकोसिस्टम संरक्षण केंद्रीय प्लान के तहत देश के 108 जिलों में कांवर झील को भी शामिल किया था, लेकिन अब कांवर झील को रामरस साइट में शामिल कर अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड घोषित किया गया है, जो कि कांवर झील का पहला और भारत का 39वां रामरस साइट होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस झील को पक्षी विहार का दर्जा 1987 में दिया गया था। यह झील 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। बर्ड सेंचुरी में 59 तरह के विदेशी पक्षी और 107 तरह के देसी पक्षी ठंड के मौसम में देखे जाते थे, जो कुछ वर्ष पूर्व प्रदूषण होने के कारण पक्षियों का आना बंद हो गया। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2019 में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से झील को पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने को पहल किया गया था, जिसके तहत नवंबर 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलीय परिवर्तन मंत्रालय ने 32,76,800 रुपये जारी किए थे। अब कांवर झील को रामरस साइट में शामिल कर अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड घोषित किया गया है। जानकारी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को ट्वीट कर दी है। ज्ञात हो कि कांवर झील में ठंड बढ़ने के साथ साइबेरिया, अलास्का, रूस, मंगोलिया सहित 7 समुद्र पार अन्य देशों से आने वाले मेहमान पक्षी लालसर, दिधौच, सराय, कारण, डुमरी, अदंगी, कोयरा सहित अन्य देशों से करीब 57 प्रजाति के पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी ठंड शुरू होते ही नवंबर माह से आना शुरू कर देते हैं। यह तकरीबन 3 माह का प्रवास व्यतीत करने के बाद पुनः फरवरी मार्च में वापस अपने मुल्क लौट जाते हैं। इस झील में जब तक पर्याप्त मात्रा में जल था, तब इसमें लगभग 140 किस्म के पेड़, 170 नस्ल की पक्षी और 41 नस्ल की मछलियां और अनेक तरह के जीव पाए जाते थे। परंतु कुछ असामाजिक तत्व एवं विसंगतियों के कारण झील की दर्जा रद्द होने से इन सभी जीवों एवं वनस्पति का जीवन खतरे में पड़ गया था। कांवर झील के रामरस साइट में पुनः शामिल कर बिहार को नई भेंट देने का श्रेय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को जाता है, जिन्होंने 25 जुलाई 2019 में सदन में शून्यकाल के दौरान शामिल होने के सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि मेरा दो मकसद है, जिसमें पहला झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करके देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करना, जिसकी पहल मैंने शुरू कर दी है, बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बीटी न्यूज बिहार के साथ। सभापति महोदय, मैं एक ऐसे विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो ये दिखाता है किस प्रकार से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को और पर्यटक स्थल को खोते जा रहे हैं। बिहार के बेगूसराय के मंझौल में लगभग 5,467 हेक्टेयर जमीन पर एक झील है, जिसको कांवर झील कहते हैं। उसको बाद में बिहार सरकार की अधिसूचना में 6,311 हेक्टेयर किया गया, जो अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा झील है। उसके पानी इतना अच्छा होता था कि लोग उसको देखने के लिए, उस पानी को पीने के लिए लाखों लोग वहाँ आते थे। सबसे महत्वपूर्ण विषय उसके बारे में यह है कि नवंबर से लेकर मार्च तक साइबेरिया के लाखों अनगिनत रंग बिरंगे पक्षियाँ आती थी और वह पर्यटन स्थल को एक आकर्षक केंद्र बना देता था। वह आज झील सूख रहा है, प्राय सूख चुका है और उस पर कोई नजर किसी भी सरकार की नहीं है। मैं सरकार से और मंत्रालय से अपेक्षा रखता हूँ कि उस झील को रिवाइव किया जाए और हमारे लाखों अतिथि जो साइबेरिया से आते थे उन्हें पुनः हम भारत में बुलाएं। जिन अतिथियों का एक अलग रूप होता था, वे रंग बिरंगे पक्षी
इस प्रकार का सौंदर्य देते थे और ऐसा लगता था जैसे उनका सेकेंड होम भारत हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और बिहार सरकार तीनों मिलकर उस झील को अविलंब रिवाइव करेंगे, जिससे कि हमारा वह पर्यटक स्थल बचा रहे और एक धरोहर जो लगभग 700 साल पुराना झील है वह आज वर्तमान का विषय बने, भविष्य के लिए बने और पीढ़ियों के लिए वह एक याद के रूप में नहीं बल्कि वर्तमान के रूप में रहे। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक ऐसे विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो ये दिखाता है किस प्रकार से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को और पर्यटक स्थल को खोते जा रहे हैं। बिहार के बेगूसराय के मंझौल में लगभग 5,467 हेक्टेयर जमीन पर एक झील है जिसको कांवड़ झील कहते हैं। उसको बाद में बिहार सरकार की अधिसूचना में 6,311 हेक्टेयर किया गया जो अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा झील है। उसके पानी इतना अच्छा होता था कि लोग उसको देखने के लिए, उस पानी को पीने के लिए लाखों लोग वहाँ आते थे। सबसे महत्वपूर्ण विषय उसके बारे में है कि नवंबर से लेकर मार्च तक साइबेरिया के लाखों अनगिनत रंग बिरंगे पक्षियां आती थी और वह पर्यटन स्थल को एक आकर्षक केंद्र बना देता था। वह आज झील सूख रहा है, प्रायः सूख चुका है और उस पर कोई नजर किसी भी सरकार की नहीं है। मैं सरकार से और मंत्रालय से अपेक्षा रखता हूँ कि उस झील को रिवाइव किया जाए और हमारे लाखों अतिथि जो साइबेरिया से आते थे उन्हें पुनः हम भारत में बुलाएं। जिन अतिथियों का एक अलग रूप होता था, वे रंग बिरंगे पक्षी इस प्रकार का सौंदर्य देते थे और ऐसा लगता था जैसे उनका सेकेंड होम भारत हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और बिहार सरकार तीनों मिलकर उस झील को अविलंब रिवाइव करेंगे, जिससे कि हमारा वह पर्यटक स्थल बचा रहे और एक धरोहर जो लगभग 700 साल पुराना झील है वह आज वर्तमान का विषय बने, भविष्य के लिए बने और पीढ़ियों के लिए वह एक याद के रूप में नहीं बल्कि वर्तमान के रूप में रहे।